देखो यार, आज ही सोनी लिव के ऊपर जो है एक नया इंडियन शो रिलीज हुआ है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस टाइप का शो है, जिसका नाम है ब्रिंदा, जो कि एक्चुअली एक तमिल लैंग्वेज शो है, लेकिन इसको सोनी लिव के ऊपर जो है हिंदी डब के अंदर रिलीज किया गया है, जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। अब ये शो किस तरीके से बन के निकला है, क्या ये आपका टाइम के लिए वर्थ इट है, नहीं है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं इस शो की। स्टोरी जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेटरी ड्रामा है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे सीरियल किलर की, जिसने पिछले 9 से 10 साल के अंदर 20 से 22 मर्डर किए हैं, और पुलिस के पास जो है अब जाके फाइनली इतने एविडेंस हो पाए हैं कि वो बोल सके कि हाँ, ये सुसाइड्स नहीं हो रही है, ये मर्डर हो रहा है। इसका जो क्रेडिट है वो काफी हद तक जो इस शो की मेन लीड यानी कि त्रिशा, जिन्होंने यहाँ पे बृंदा का रोल प्ले किया है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर है, उनको जाता है। और अब जो है किस तरीके से वो आगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली है, उनके अपने खुद के कुछ भी पास इंसिडेंट्स है, और किस तरीके से वो जो है उस मर्डर से लिंक्ड है, यही इस पूरी शो की स्टोरी है। और मैं पर्सनली आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ये शो जितना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये शो सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये काफी डीप है, काफी डार्क है, जिसका एंड जब आप इस शो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पास के इंसिडेंट यहाँ पे आके लिंक्ड होने वाले हैं, क्या पूरी की पूरी मिस्ट्री है, किस तरीके से त्रिशा जो है यहाँ पे मर्डर को रोकने वाली है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस शो के टोटल 8 एपिसोड्स को चेक करना पड़ेगा, जिनका रन टाइम जो है 40 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में रखे गए हैं। और अगर मेरे को आपके सामने इस शो का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे को पर्सनली इस शो को देख के मजा आया। इस शो की सस्पेंस, इस शो की मिस्ट्री, इस शो के अंदर जिस तरीके से ट्विस्ट टर्न्स आपको देखने को मिले हैं, आपको फील होता है कि हाँ, मैंने कुछ कमाल का शो देखा है, और आपको जो टाइम है पूरी तरीके से वर्थ इट महसूस होता है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस शो के पॉजिटिव पार्ट की। इस शो का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा, इस शो के अंदर आपको जिस तरीके से कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, मतलब इस शो की स्टोरी में इतने कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि वो आपका इंटरेस्ट पहले एपिसोड से बना लेते हैं। और अगर एक बार आपने इसके स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड देख लिए, तो आप इस शो को पूरी तरीके से खत्म करके छोड़ोगे, इस बात की गारंटी है। साथ में बात करें जिस तरीके से आपको हमें मेन लीड के अंदर त्रिशा का कैरेक्टर देखने को मिला है, मतलब जिस तरीके का वो कैरेक्टर है, उसके बाद एक इमोशनल बॉन्ड आपका बन जाता है, जिस तरीके से वो बहुत कॉमन सेंस वाला दिमाग लगा के इस शो के अंदर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, आपको पर्सनली फील आता है कि हाँ यार, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, और आप इस कैरेक्टर से, इस शो की स्टोरी से काफी हद तक रिलेट कर पाते हो। और अगर देखो बात करें इस शो की कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में, चाहे बात करो इसके प्रोडक्शन के बारे में, चाहे बात करो इसके अंदर डायरेक्शन के बारे में, जिस तरीके से स्टोरी लिखी गई है, जिस तरीके से कमाल का स्क्रीन प्ले चल रहा है, मैं बोलूंगा मुझे काफी पसंद आया वो चीज। और जिस तरीके से ये एक स्लो बर्न टाइप का शो है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार स्टोरी थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन एक बार अगर 2-3 एपिसोड पास हो गए तो आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से इस शो के अंदर बन जाएगा। और अगर देखो बात करें इस शो के कुछ नेगेटिव पार्ट के बारे में, मेरे को पर्सनली काफी तक ऐसा फील हुआ कि इस शो के अंदर ना डबिंग की प्रॉब्लम है, मतलब इसको लेकर देखो दो प्रॉब्लम्स है, या तो इनकी आवाज जो है, जिन्होंने आवाज दी है वो सूट नहीं कर रही है, या जिस तरीके से इसकी सिंकिंग चल रही है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे को पर्सनली फील हुई। लेकिन ये कहीं से भी एक ऐसा रीजन नहीं है कि आप इस शो को चेक ना करो, इस शो को आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा। हर एक मायने में इस शो ने मेरा अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब किया है, तो मैं पर्सनली इस शो को रेट करूंगा 4/5 स्टार। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा ओपिनियन अबाउट द शो ब्रिंदा। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो का देख लिया है, तो इस वीडियो थोड़ा सा लाइक करो, और ऐसे कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।